अब मैं विमल कुमार पालीवाल, जिनको तृतीय पुरस्कार दिया गया इस कविता प्रतियोगिता में, उनसे प्रार्थना है कि मंच पर आएं और अपनी कविता को सुनें। माननीय कविवर साथियों, कारगिल में जो कुछ हुआ उसके बाद प्रकृति पर, पठारों ने, जिन पठारों पर ये युद्ध हो रहा है, चल रहा है, उनकी क्या भावना है, इस कविता के माध्यम से मैं अभिव्यक्त करना चाहता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है पठार का चित्कार। कारगिल की कारगुजारी, छत विछत हुआ हूँ मैं, आहत अंग भंग विकृत हुआ हूँ मैं, आहत अंग भंग विकृत हुआ हूँ मैं, विजय और पराजय के खेल में नहीं हूँ मैं, विजय और पराजय के खेल में नहीं हूँ मैं, शांत हूँ स्वभाव से कुंठित हुआ हूँ मैं, हिम आंचल में लिपटा श्वेत शांति प्रतीक, रंगा सैनिकों के खून से बेबस सा खड़ा हूँ मैं, रंगा सैनिकों के खून से बेबस सा खड़ा हूँ मैं, रोज रोज गोलीबारी, रोज रोज गोलीबारी, आहत हुआ हूँ मैं, पृथ्वी का ललाट, पृथ्वी का ललाट, कलंकित हुआ हूँ मैं, हूँक मारता जिया में ज्वालामुख समाये में, हूँक मारता जिया में ज्वालामुख समाये में, मैं खड़ा हूँ शांत, मैं खड़ा हूँ शांत, अपनी प्रकृतिवश, हिम के ठंडत से, पृथ्वी की शान से, मत ललकारो मुझे, मैं फटना चाहता नहीं, मैं फटना चाहता नहीं, विनाश ही विनाश है, जो फटा पठार तो, जो फटा पठार तो। धन्यवाद अलीवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अशोक चक्रधर जी से निवेदन करता हूँ कि मंच कवि गोष्ठी का विधिवत पूर्वक संचालन आरंभ करें। पहले तो मैं अपनी इस नई अनुभूति से आपको परिचित कराऊं कि ये पहला कार्यक्रम है जहां मुझे दो बार पुष्प गुच्छ मिले। हर बार कुछ न कुछ नया होता है, मैं इस दोहरे पुष्प कांड के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे देश में तो चारा कांड होते हैं पर आप पुष्प कांड करते हैं, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। निवेदिता चक्रवर्ती ने बहुत अच्छी कविता सुनाई और नैतिक मूल्यों की शाश्वत मृत्यु पर बहुत सलीके से, बहुत ढंग से, गरिमा मंडित भाषा का प्रयोग करते हुए जो कविता सुनाई, सचमुच वो प्रथम पुरस्कार के योग्य थी। निर्णायक गण ने बहुत सही किया, तो मैं उनको बधाई देता हूँ। संगीता जी ने भी धरती के बारे में कहा, नैतिक मूल्य, दरअसल निवेदिता, नैतिक मूल्यों की चिंता हम सबको है। मेरे पिता श्री राधेश्याम प्रगल्भ ने एक बात कही थी, दो पंक्तियां कहीं साहब, और अगर उन दो पंक्तियों को कोई हृदयंगम कर ले तो लगेगा कि नैतिक मूल्य अपने आप सही रहेंगे। दो पंक्तियां हैं, मैं आपका ध्यान चाहूंगा। दिन के उजेरे में न करो कोई ऐसा काम, नींद जो न आए तुम्हें रात के अंधेरे में। दिन के उजेरे में न करो कोई ऐसा काम, नींद जो न आए तुम्हें रात के अंधेरे में, और रात के अंधेरे में न करो कोई ऐसा काम, मुंह जो तुम छिपाते फिरो दिन के उजेरे में। हमारी यह कार्य प्रवृत्ति अगर बनेगी तो नैतिक मूल्य हम सुरक्षित रख पाएंगे। दूसरी कविता धरती, सिर्फ धरती न कहना, धरती के दर्द को गाया संगीता ने, मैं उनको भी बधाई देता हूँ क्योंकि उसको दर्द है बटने का, लेकिन धरती ही है जो सबका ध्यान धरती है। टिक कर बैठो, धरती किसी को नहीं गिराती, धरती खड़े होना सिखाती है, धरती बैठने के लिए स्वयं बिछ जाती है। उनकी पीड़ा और उनके चिंतन को भी मैं बधाई देता हूँ। हमारे पालीवाल साहब ने कारगिल के पहाड़ों और पठारों की ओर से जो अपने देश के
कुर्बान होने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि प्रकारात्मक ढंग से दी, लक्षणा में दी, व्यंजना में दी, कविता को उन्होंने भी संपन्न किया। मैं आपके इन तीनों कवियों को साधुवाद देता हूं। आप एक बार इन तीनों के लिए जोरदार ताली बजाएं जो आपके अपने कवि। वेद भाई बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। ये मूलतः नाटककार हैं, नाटक लिखते भी हैं, नाटक करते भी हैं। यहाँ निगम में कितना करते हैं वो मैं नहीं जानता। निगम के ये बड़े श्रेष्ठ कर्मचारी होंगे निश्चित रूप से, चूँकि चिंताएँ रखते हैं। लेकिन एक अच्छे रंगकर्मी के तौर पर, एक अच्छे साहित्य मर्मी होने के नाते हमारी मित्रता का इतिहास अच्छा खासा पुराना है। जब मैं दिल्ली आया तब से हमारा इनका परिचय का क्रम है। नैतिक मूल्य भी बने हुए हैं। धरती हम दोनों की समान है, पटा ये पहाड़ और पठार हम दोनों साथ साथ देखते हैं। तो ये आपके निजी कवि हैं जो आपकी निजी संपत्ति हैं, ये भी अपनी कविताएं सुनाएंगे। गजेंद्र सोलंकी एक ऐसा नाम है जिसने विगत कुछ वर्षों में ही देशव्यापी ख्याति अर्जित की है, और मैं अभी इनकी एक विदेश यात्रा प्रायोजित कर रहा हूँ तो फिर ये अंतर्राष्ट्रीय भी कहलाने लगेंगे। सुनील जोगी बताया गया, हाँ तालियां बजा दीजिए एक दो से, क्या होता है। सुनील जोगी हिंदी एकेडमी के सह सचिव हैं, इतना कहना भर काफ़ी नहीं है। वे हर पल हर क्षण हिंदी के निमित्त किसी न किसी अध्यवसाय में लगे रहने वाले युवा कवियों में इकलौते कवि हैं जिनकी सर्वाधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, सर्वाधिक श्रम करते हैं। गीत विधा बच्चों के लिए लिखना हो, सुमधुर कंठ इनको प्रकृति प्रदत्त है, अभ्यास से भी इन्होंने अर्जित किया है, और मुझे इस बात में गौरवानुभूति होती है कि मैं इनका शिक्षक भी रहा हूँ, फॉर्मल टीचर। इन्होंने हमारे जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय से एमए किया, वहीं से इन्होंने शोध कार्य किया और हमारे गौरवशाली विद्यार्थी रहे जो कि हमारे विश्वविद्यालय का नाम अब रोशन कर रहे हैं। मैं इनकी प्रगति की पूरी कामना करता हूं कि ये और दैनंदिन उन्नति करें और हिंदी को समृद्ध बनाएं। तो दोस्तों अब मैं ये कहूँगा कि हो सकता है कुछ लोग ये सोच के आए हों कि घंटे आध घंटे की बात थी, डेढ़ दो घंटे में चलेंगे, फिर कुछ बच्चों को साथ भी लेके आए हैं, हो सकता है कि कनॉट प्लेस में कहीं खाने पीने का कार्यक्रम भी कुछ बना रखा हो। तो हम इस गोष्ठी को बहुत सुदीर्घ लंबी गोष्ठी नहीं करेंगे, आप निश्चिंत रहें कि आपको बहुत नहीं सताया जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर बताया जाएगा कि महफिल को आज काव्य से कुछ इस तरह सजाएं, दिल से सुने दिलों की बात, उठ के नहीं जाएं, और कविगण भी उल्लसित हों और झूम कर सुनाएं, इस वास्ते अनुरोध है फिर तालियां बजाएं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। तो लीजिए मैं अनुरोध करता हूं सबसे पहले गजेंद्र सोलंकी से कि वे हिंदी वंदना, उन्होंने बहुत प्यारी हिंदी वंदना लिखी है। मैंने कहा कोई और कविता सुनाना या न सुनाना, लेकिन हिंदी वंदना का ये जो गीत लिखा है इसको अवश्य सुनाना, और आपसे अनुरोध है कि सिर्फ एक गीत सुन के ही तृप्त मत हो जाना। गजेंद्र सोलंकी से अनुरोध एक बार तालियां बजाकर जरूर करना कि वे दूसरा भी कुछ सुनाएं जो उनका मन का हो। तो गजेंद्र सोलंकी। परम आदरणीय श्री अशोक चक्रधर जी, भाई सुनील जोगी जी, आदरणीय वेद ढींगरा जी, उपस्थित सभी महानुभाव, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि लगभग 3 वर्षों से लगातार मुझे किसी न किसी आयोजन में LIC के काव्य पाठ के लिए बुलाया जाता रहा है, और मुझे यहाँ आकर प्रसन्नता भी होती है निश्चित रूप से, क्योंकि जितना प्रेम आदर सम्मान यहाँ पर मुझे मिलता है वो मेरी ऊर्जा बढ़ाता है, मुझे प्रेरित करता है कुछ और करने के लिए। पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से लगभग 1-2 महीने से हिंदी के विषय में चर्चा होती रही, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से कुछ एक हिंदी गीत लिखा गया, मैं उसी से अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करता हूँ। आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगा।
अमर रहे वैभव तेरा हिंदी मातु महान, करेंगे अंतिम सांस तक तेरा ही यशगान, तेरा गौरव गान। ओ हिंदुस्तान हिंदुस्तान के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, जय जय हिंदी का नारा मिल सभी लगाओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, ओ मेरे देश के खेवैया हिंदी को अपनाओ रे। हिंदी जन जन के अंतर में प्रेम सुधा बरसाती है, नूतन नवल ये ज्योत ज्ञान की जीवन धन बनाती है, गहन तिमिर मन के हरने को आशा दीप जलाती है, तो चेतन और अचेतन वासी ईश्वर दर्श कराती है, तो चेतन और अचेतन वासी ईश्वर दर्श कराती है। तो हिंदी पावन गंगा गोता सभी लगाओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, ओ मेरे देश के खेवैया हिंदी को बचाओ रे। ओ भाषाओं की नदियां मिलती हिंदी ऐसा सागर है, कि भाषाओं की नदियां मिलती हिंदी ऐसा सागर है, छलक रही अमृत घट समझो हिंदी ऐसी गागर है, भारत की रग रग में बहता हिंदी प्रेम सुधाकर है, गली गली और नगर नगर में हिंदी ज्ञान प्रभाकर है, तो गली गली और नगर नगर में हिंदी ज्ञान प्रभाकर है। करो नमन हिंदी को जीवन सफल बनाओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, ओ मेरे देश के खिवैया हिंदी को बचाओ रे। और अध्यात्म से जोड़ता हूं कि हिंदी दुर्गा हिंदी काली सरस्वती कल्याणी है, कि हिंदी दुर्गा हिंदी काली सरस्वती कल्याणी है, हिंदी ब्रह्मा विष्णु शिव की महाशक्ति छत्राणी है, हिंदी लक्ष्मी पार्वती हिंदी कमला कल्याणी है, तो शब्द ब्रह्म की शाश्वत पुत्री और सनातन वाणी है, ये शब्द ब्रह्म की शाश्वत पुत्री और सनातन वाणी है। तो मन के सिंहासन पे हिंदी को बैठाओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को बचाओ रे, ओ हिंदुस्तान के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। और महाबंध देना चाहता हूं एक संक्षिप्त इतिहास हिंदी का, उन महान आत्माओं को याद करते हुए जिन्होंने हिंदी की सेवा की और जिनके अमर तपस्या से हिंदी आज इतनी समृद्ध भाषा है। कि सूफी संतों को जिस भाषा ने शाश्वत वरदान दिया, कि सूफी संतों को जिस भाषा ने शाश्वत वरदान दिया, तुलसी सूर कबीरा सबने हिंदी का आह्वान किया, बल्लभ विठल और जायसी हिंदी का गुणगान किया, तो मीरा और रसखान ने भी हिंदी अमृत का पान किया, नानक और रैदास मलूका की भक्ति महकाती है, और रहीम रत्नाकर भूपति हिंदी सबको भाती है, प्रेमचंद भारतेंदु बिहारी हिंदी सबकी थाती है, केशव रामानंद गजानन का गौरव बतलाती है, बच्चन पंत निराला दिनकर जिसकी महिमा गाई है, बच्चन पंत निराला दिनकर जिसकी महिमा गाई है, शुक्ल द्वेदी और भूषण ने भी हिंदी अपनाई है, चंद्रवरदाई के छंदों में हिंदी ही मुस्काई है, नागर धूमिल नागार्जुन ने हिंदी कथा सुनाई है, जयशंकर और गुप्त सुभद्रा हिंदी गाथा कहते हैं, स्नातक केदार कोहली हिंदी धारा बहते हैं, देवराज त्यागी नेपाली और व्यास भी कहते हैं, तो हिंदी का आशीष मिला जो सबके दिल में रहते हैं, तो हिंदी का आशीष मिला जो सबके दिल में रहते हैं, काका जी नीरज बैरागी इंदी वर्मन भाए हैं, हो प्रदीप या भरत व्यास ने हिंदी गीत सुनाए हैं, रमानाथ परसाई जोशी और प्रगल्भ लुभाए हैं, मुक्तिबोध अज्ञे अश्क ने हिंदी के गुण गाए हैं, विद्यापति शमशेर त्रिलोचन निर्मल जी भी आए हैं, घनानंद और बालकृष्ण या हरि और चित भाए हैं, अमृता महादेवी नवीन ने हिंदी पुष्प खिलाए हैं, तो माणिक शैल आदित्य चक्रधर हिंदी मंच सजाए हैं, तो माणिक शैल आदित्य चक्रधर हिंदी मंच सजाए हैं, हिंदी गौरव की सुगंध जग में फैलाओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। और आजादी के संघर्ष से जोड़ना चाहता हूं कि अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो बापू ने उच्चारा था,
कि अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो बापू ने उच्चारा था, खून के बदले आजादी यह नेताजी का नारा था, आजादी का हर परवाना हिंदी में हुंकारा था, आजादी का हर परवाना हिंदी में हुंकारा था, जय जवान और जय किसान भी हिंदी का ही नारा था, तो जय जवान और जय किसान भी हिंदी का ही नारा था। हिंदी ही तो आजादी के संघर्षों की शक्ति रही, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु और शेखर की रही, अशफाकुल्ला और बिस्मिल के स्वाभिमान की शक्ति रही, हिंदी ही तो क्रांति की भाषा और पौरुष अभिव्यक्ति रही, तो हिंदी प्रेम पुजारी बन सब शीश झुकाओ रे ओ मेरे देश के बसैया, हिंदी को अपनाओ रे ओ मेरे देश के खिवैया, हिंदी को अपनाओ रे। और भारत की भाषाओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि सभी हिंदी की सखी सहेलियां हैं और हिंदी समृद्ध होगी तो सभी भाषाएं समृद्ध होंगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदी संस्कृत की तनिया ये नित नित नई नवेली है, गुजराती कन्नड़ मलयालम या बोली बुंदेली है, तमिल मराठी बंगला उर्दू पंजाबी अलबेली है, हिंदुस्तानी हर भाषा हिंदी की सखी सहेली है, तो हिंदुस्तानी हर भाषा हिंदी की सखी सहेली है, कश्मीरी तेलुगु या उड़िया सिंधी ने बतलाया है, मणिपुरी गढ़वाली बोली हिंदी गीत सुनाया है, तो मणिपुरी गढ़वाली बोली हिंदी गीत सुनाया है, भोजपुरी डोगरी असमिया मारवाड़ी ने गाया है, सम्राटों के महलों को भी हिंदी ने महकाया है, तो सम्राटों के दरबारों को हिंदी ने महकाया है, स्वर्ण जयंती हिंदी की मिल सभी मनाओ रे ओ मेरे देश के बसैया, हिंदी को अपनाओ रे ओ हिंदुस्तान के बसैया, हिंदी को अपनाओ रे। और अभी किन्हीं अधिकारी से मेरी बात हुई थी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि कंप्यूटर के साथ भी हिंदी का कुछ ऐसा लिखा जाए, तो एक बंद उसके बारे में लिखा है कि हिंदी की लिपि वैज्ञानिक ये कंप्यूटर की भाषा है, कि हिंदी की लिपि वैज्ञानिक ये कंप्यूटर की भाषा है, नव मिलेनियम इंटरनेट पे विश्व प्रेम की आशा है, तकनीकी शिक्षा को भी अब हिंदी संग तराशा है, तो कोर्ट कचहरी कार्यालयों में बढ़ती हिंदी भाषा है, कोर्ट कचहरी कार्यालयों में बढ़ती हिंदी भाषा है, हिंदी माँ की ममता छैया ना बिसराओ रे ओ मेरे देश के बसैया, हिंदी को अपनाओ रे ओ मेरे देश के खिवैया, हिंदी को बचाओ। और अंत में जो कहना चाहता हूं कैसा होना चाहिए कि हिंदी अपनी भाषा अपनी संस्कृति का उद्धार करो, कि हिंदी अपनी भाषा अपनी संस्कृति का उद्धार करो, साधक बन ऋषियों मुनियों के सपनों को साकार करो, और पतित ना हो नवयुग में कुछ ऐसे संस्कार भरो, तो और पतित ना हो नवयुग में कुछ ऐसे संस्कार भरो, अलंकार रस छंदों से अब हिंदी का श्रृंगार करो, तो अलंकार रस छंदों से अब हिंदी का श्रृंगार करो, 100 करोड़ सब मिल हिंदी को तिलक लगाओ रे ओ मेरे देश के बसैया, हिंदी को अपनाओ रे ओ हिंदुस्तान के बसैया, हिंदी को अपनाओ रे। बाकी खूब एनर्जी यारो शादी मत और कवि गण यहां बैठे हैं माननीय अशोक जी, एक बात कहना चाहता हूं कि पत्नी अपनी पर आए तो सब कर सकती है, कवि की सब कविताएं चूल्हे में धर सकती है, पत्नी अपनी पर आए तो सब कर सकती है, कवि की सब कविताएं चूल्हे में धर सकती है, पत्नी गर चाहे पति का जीना दूभर हो जाए, तोड़ दे करवा चौथ तो पति अगले दिन ही मर जाए, पत्नी गर चाहे पति का जीना दूभर हो जाए, तोड़ दे करवा चौथ तो पति अगले दिन ही मर जाए, पत्नी घर चाहे खुदवा दे घर के बीच कबर जी, यारो शादी मत करना ये है मेरी अर्जी, फिर भी हो जाए ये ऊपर वाले की मर्जी। और गीत की आखिरी पंक्तियां आपकी सेवा में कि शादी वो लड्डू है जिसको खाकर जी मिचलाए, जो ना खाए उसको रातों को निंदिया न आए, शादी होते ही दो पाया चौपाया होता है, ढेचू ढेचू करके बोझ गृहस्थी का ढोता है, सब्जी मंडी में कहता है कैसे दिए मटर जी,
यारो शादी मत करना ये है। खूब हंसते हैं और औरों को भी खुलकर हंसाते हैं, बल्कि उनको उकसाते हैं और प्रेरित भी करते हैं। आपकी इनकी हंसी देखिए, मैंने मुझे वो शब्द नहीं मिला, लेकिन अनकरप्टेड अनपोल्यूटेड हंसी होती है इनकी। खुलकर हंसना, सबको हंसाना। और इनकी कविता की दो पंक्तियां हैं, वो मैं कहना चाहूँगा, जिससे कि उसके बाद अपनी कविता आपको सुनाएंगे। हंसो तो बच्चों जैसी हंसी, हंसो तो बच्चों जैसी हंसी, हंसो तो सच्चों जैसी हंसी, इतना हंसो कि तर जाओ, हंसो और मर जाओ। अशोक जी, धन्यवाद विवेक भाई। अभी सुनील ने जो कविता सुनाई उसमें भी अंत में कब्र का जिक्र था, और यहाँ भी परिचय में भी ऐसा ही हुआ कि हंसो तो ऐसे, हंसो तो वैसे, इतना हंसो कि तर जाओ, हंसो और मर जाओ। मेरा आशय है कि किसी पे मर जाओ, है ना। हंसी मृत्यु दात्री नहीं होती, हंसी जीवन प्रदात्री होती है। लेकिन गजब की बात यह है कि आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती। आप कोशिश करते रहिए हंसाने की, नहीं आएगी, और आएगी तो ऐसी बात पे आ जाएगी जिस पे नहीं आनी चाहिए, जैसे कि जुल्फें संवारने की अब क्या जरूरत है, कविता पढ़ चुका है, अब तो ठीक बैठा रहे भैया। लेकिन इसके भी आ गई। वही मैं मानता हूँ कि हंसी चीज करामाती है, आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती। एक बार एक साहब गेंडे को गुलगुली कर रहे थे कि गेंडे को हंसी आएगी, लेकिन गेंडा मुस्कुरा के भी नहीं दिया। तो सामने वाले ने व्यंग्य कसा, उपालंब दिया, ताना मारा, बड़ा दम भरते थे, बड़ी ताल ठोकते थे गुरु के, गेंडे को हंसाओगे, ये तो मुस्कुराया भी नहीं। तो बोले, नेताओं की तरह खाल मोटी है ना, अच्छा इस बात पे गेंडे को हंसी आ गई। तो पता ही नहीं चलता कि कब आती है कब नहीं आती है, लेकिन जब आती है तो धुआंधार आती है। गाल गुलेल हो जाते हैं, सारे ब्रेक फेल हो जाते हैं, ये हंसी अपना शिकंजा कुछ ऐसे कसती है कि मुंह दांत भींच लो तो तौंद हंसती है। देखा होगा आपने तौंद का हंसना, ऊपर से बंद कर, कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हंसे, लेकिन तौंद हंसती है। तो हंसी चीज करम आती है, ये बहुआयामी है। मुंह दांत आंख नाक कान यकृत तिल्ली पेट की झिल्ली, इन सब के लिए व्यायामी है। और जो अट्टहास करते हैं, खुल के हंसते हैं, उनके तो हाथ पैर पाचन तंत्र सबकी मशक्कत हो जाती है, लेकिन जो मनहूस हैं उन्हें वाकई कब्ज की दिक्कत हो जाती है। लेकिन सवाल वही कि आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हंसिए, खूब हंसिए। हंसना हमारे जीवन के लिए बड़ा ज़रूरी है। काका जी कहा करते थे कि भोजन आधा पेट कर, दुगना पानी पीओ, तिगुना श्रम चौगुन हंसी, वर्ष सवा सौ जियो। लेकिन हंसी बिना रुदन के बेमानी है। ये एक सिक्का है, एक तरफ हंसी है एक तरफ रोना है। जो रोया सो आंसुओं के दलदल में धंस गया, और कहावत यह है कि जो हंस गया सो फंस गया। मुहावरा आगे बढ़ाता हूं, जो हंस गया उसका घर बस गया। और सुनील जैसा कि कहता है, जिसका घर बस गया वो फंस गया, और जो फंस गया वो फिर से आंसुओं के दलदल में धंस गया। तो हंसी और आंसू ये एक चक्र है, व्यतिक्रम है। कई बार जीवन के यथार्थ का बोध कराने के लिए हंसी बड़ी कड़वी होती है। एक कड़वी हंसी का नमूना आपको दिखाता हूँ। यहाँ दो बच्चे बैठे हुए हैं, कभी कभी बच्चे बहुत सहज सवालों में गहरी बात कर जाते हैं। एक बार बच्चे ने रट लगा दी, बार बार कहे दादी तोते की तरह टें बोल के दिखाओ। दादी भी अड़ गई, क्यों बोलूं पहले ये बताओ। तो बच्चे ने बड़ी मासूमियत से राज खोला और बड़े ही रहस्यमयी अंदाज में बोला कि कल रात जब मैं झूठ मूठ को सो रहा था
तब पापा ने मम्मी से कहा था कि अम्मा जब टें बोलेगी तो खूब सारे रुपए मिलेंगे। तब हम ये घर बेच के नया घर लेंगे। तो दादी ने किसी तरह रोक लिया रोना और बच्चा जिद करता रहा, अब तो टें बोल दो ना, अब तो टें बोल। तो बच्चे की मासूम भावना कब किससे टें बुलवा दे ये आप नहीं जान सकते हैं, ऐसा होता रहता है। ये 50वां वर्ष है हिंदी का, जिसके उपलक्ष में समारोह चल रहा है। इन 50 वर्षों में अपने देश की आज़ादी का या हिंदी का इतिहास देखें तो कई बार मायूस होने का मन करता है, लेकिन मायूसी को एक तरफ रख के हम आशाओं का जूस निकालते हैं, भले ही निराकार जूस हो वो, लेकिन पिलाते हैं, पीते हैं। इन 50 साल का इतिहास क्या है? हम इन 50 सालों में 5 दशकों में आगे बढ़े हैं, देखना यह है कि इन 5 सीढ़ियों पे उतरे हैं या चढ़े हैं। पहला दशक, पहली सीढ़ी, एक शब्द के माध्यम से इतिहास बता रहा हूं, सिर्फ एक शब्द। पहला दशक, पहली सीढ़ी, सदाचरण, यानी काम सच्चा करने की इच्छा। दूसरा दशक, दूसरी सीढ़ी, आचरण, यानी उसके लिए प्रयास अच्छा। तीसरा दशक, तीसरी सीढ़ी, चरण, यानी थोड़ी प्रगति और चरण छूना। तीसरा दशक, चौथा दशक, रण, यानी आपस की लड़ाई और जनता को चूना। पांचवां बचा न। न माने शून्य, शून्य माने जीरो, लेकिन हम फिर भी हीरो। तो सदाचरण, आचरण, चरण, रण और न, यही तो है पिछले 50 साल का अतीत न, इतिहास न। भाई वेद बोले अब क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, इस बचे हुए बड़े से शून्य में रंग भरेंगे, और माफ कीजिए, इस बचे हुए बड़े से शून्य में रंग न तो आप भरेंगे न हम भरेंगे, इस बचे हुए बड़े शून्य में रंग तो आगे आने वाली पीढ़ियों के नन्हे नन्हे बच्चे भरेंगे, यही भरेंगे, यही करेंगे जो कुछ करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सभी प्रबुद्ध श्रोताओं, मैंने प्रदान किया है सदा ही तुम्हें लहलहाते खेत, ऊंचे ऊंचे पहाड़, कल नदी, झनकृत करते झरने, सदाबहार वृक्ष जैसे देवदार और अश्वस्त। तुम भी सदा ही मेरे वक्ष पर चढ़ कूदे हो बालक की भांति, मैंने भी तुम्हारे परिश्रम का, हट का प्रतिफल दिया है एक माँ की भांति। हमारा संबंध है बहुत पुराना, हमारा संबंध बहुत पुराना है, और उतना ही पुराना है तुम्हारा लालच भी। तुम सदा से ही बटे हुए थे, तुम सदा से ही बटे हुए थे, और तुमने मुझे भी बांट दिया, और मैं भी बट गई कि तुम अब नहीं लड़ोगे आपस में, नहीं दोगे कोई घाव हिरोशिमा का सा, नहीं धोओगे मेरे भाल को मेरे ही पुत्रों के रक्त से, पर राज्य प्रसार की तुम्हारी महत्वाकांक्षा से मैं झेलती गई यही सब, उठाती गई अपने ही पुत्रों के शव। जाओ आज जरा कश्मीर जाओ, जाओ आज जरा कश्मीर जाओ, वहाँ व्याप्त है एक सन्नाटा आज, और भी अगर कुछ है तो गूंज है उसी सन्नाटे की, जो शायद चीखे हैं तुम्हारे बालकों का, जो शायद चीखे हैं विधवाओं की, चीत्कारे हैं तुम्हारी माताओं की, क्रंदन है तुम्हारे बालकों का। हे मानव, युद्ध जो तुम्हारे ही लालची मन की उपज है, हे मानव, युद्ध जो तुम्हारे ही लालची मन की उपज है, उसी का ये प्रतिफल है। मुझे सिर्फ धरती न समझना, भूमि न कहना, मैं माँ भी हूँ तुम्हारी, तुम सभी की, मुझे सिर्फ धरती न समझना, भूमि न कहना। धन्यवाद। संगीता साहेब से आपने कविता सुनी।